हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर डार्क ओशन गेमर। तो सो गाइस, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ मज़ेदार, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। देखो, आपको नई नई चीज़ें बताऊँ। देखो, यहाँ पे एक न्यू क्वेस्ट नेकी ने ऐड की है। क्वेस्ट है स्टोरी मोड की, आपको अपने अपोनेंट को 5 times फ्रीज करना है। मुझे आपको जो हेल्पफुल वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो रहेगी अगर उन्होंने किंग ऑफ द लीजियन को, उसका जो 4 talent है उसको इतना नर्फ कर दिया है कि उसका अब केवल यूज़ ही नहीं रहा, ना के बराबर यूज़ हो गया है। तो इस तरह से तो और भी टैलेंट यूज़ होना चाहिए, जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं आपको कल बताऊंगा वीडियो में। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो और भी न्यू अपडेट्स हैं और एक और नई वीडियो, मज़ेदार वीडियो बनेगी, वो बनेगी शार्ड्स अनलॉक पे, क्योंकि मैंने ये फाइट पास से ले रखा है। तो इसमें स्किन एंड जो मैंने शार्ड चेस्ट है वो अभी तक ओपन नहीं की है, ये भी इसके 6 दिन बचे हुए हैं। तो इसकी भी एक वीडियो डालूंगा कि मेरे को कितने शार्ड्स मिलेंगे और कितने और मेरे जो कैरेक्टर्स के टैलेंट्स बचे हुए हैं वो अनलॉक करने। मेरे जो इतू है उसका ITU है, उसका तो लास्ट टैलेंट बचा हुआ है, मंकी किंग का भी लास्ट टैलेंट, एंड लास्ट टाइम मैंने मंकी किंग का डाला था, एंड किंग ऑफ द लीजियन के 2 बचे हुए हैं, कीबो का 1। मेरे को जो कंप्लीट हो गया मैं वो बता देता हूँ। एक तो मार्कस मेरा कंप्लीट हो गया है, एंड नंबर 2 है वो है होंगजो, नंबर 3 सारगे, नंबर 4 है ये आयरनक्लेड, नंबर 5 है अजुमा, एंड नंबर 6 है केटी, एंड नंबर 7 है जैक बुलवाग, एंड रिसेंटली मेरा ये भी कंप्लीट हो चुका है शेंका। तो अब फटाफट से जल्द मेरे ये सारे टैलेंट अनलॉक हो जाएंगे। और स्टोरी मोड में कैसे क्या चेंजेज हुए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, देखना। जो अमेजिंग पर्क्स जो मिले हैं आयरन क्लेड को, वो आप देख के आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। तो गाइज, मैं आपको केवल क्रोंकाइल्स के 35 राउंड पे लास्ट वाले पे लेके आ गया हूँ, देखना। तो ये देखो, फर्स्ट टाइम का मिला था। यहाँ पे क्या है कि मेरे को फर्स्ट टाइम लिया, अगर मैं अटैक करूँगा तो मेरे ट्वाइस ऑफ स्टमन स्टन बोन चार्जेस मिलेंगे डबल। अब देखना गाइस कैसे किस तरीके से लगेंगे। अब ये एक तरीके से है क्या, बिल्कुल एकदम ट्रैप बन गया है ये, देखो। नो 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 माय गॉड, ये स्टन बोन चार्जेस, देखते हैं अगर हम यूज कर पाते हैं क्या। 50 हो गए हैं और ये देखो जो ट्रैप है वो चलता ही जा रहा है। अब इस फोन में आ गई है, चलो कर लेते हैं। पर लेकिन ये देखिएगा जो कार्ड मिला था मेरे को डबल स्टैम चार्जेस का, ये दोबारा से अगेन एंड अगेन चार्ज कर रही है। पर लेकिन मेरे जो अभी चार्जेज वो 6 है। अब देखो इतने सारे ज़्यादा अगर टर्न चार्जेज है, तो देखो अगर तो यूज करनी है ज़्यादा बढ़ेगी। 594 98 कंप्लीट कर दिया गाइस, वीडियो मज़ेदार है, प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें। ये देखिए ओ अनब्रेकेबल भी हो गया, अनब्रेकेबल वाला भी बहुत सही है। दो पर सही तो ये है कि अनब्रेकेबिलिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो अनब्रेकेबल हो जाएगा, और ट्वाइस मिलेंगे मेरे को चार्जेस। ये देखिए बेचारी का तो अटैक करने का ही मौका नहीं मिलता। क्रोंकाइल्स में ये फायदा है कि अगर आप एक बार शुरू करने लग जाते हो तो अगर आपने फर्स्ट वाले पर आ गया ना तो टैन श्योर है। ये देखो हेल्थ देखिए मेरी आप कितनी ज़्यादा बढ़ी थी, टैन श्योर है कि आप एहलगा को आराम से हरा सकते। ये देखो फिर से ट्रैप, मतलब यार ऐसा ट्रैप करता है क्या। ये देखो मेरे फिर से आपके बाद देखते हैं कि हम फिर भी 100 चेस कर पाएंगे चार्जेस के। भाई साहब मतलब कि नॉर्मल स्टैंड चार्जेस का अटैक क्रिटिकल डैमेज और फिर से स्पेशल की छोड़े हल्का बेचारे बार बार ये खड़ी हुई है नीचे वापस से क्रिटिकल डैमेज वापस से 100 क्रॉस कर लिया। बहुत ही मजा
मैंने सारी बात की तो सारी चीज कंप्लीट कर लिया बस बचा हुआ है और ये देखो लास्ट हिट जो ये देखो हेल्थ देखो लास्ट हिट कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी एक भी अटैक नहीं कर पाई बेचारी। इसके लिए तो सब्सक्राइब जरूर बनता है। ये देखो क्रोमकास्ट का ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखो इसमें जो गाइज है ना हैंड वाले ये पक्स भी कंप्लीट हो गए पक्स। ये देखो ये बोनस रिवार्ड है वो कितना मिलेगा आपको केवल 85 सिल्वर से ही मिलेंगे आपको और एक और ये जो स्टार है वो जो नेकी ने बताया था स्टार आपको ज़्यादा देंगे वो स्टार भी सिंगल ही मिलेगा केवल आपको सिल्वर कॉइन्स ही मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे स्टोरी मोड में। ये देखो मैंने स्टोरी मोड सारे कंप्लीट कर रखे हैं बाकी केवल क्रोमकाइल्स ही मेरा बचा हुआ है एंड जो अपना न्यू स्टोरी मोड आएगा वो नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा अपने को। तो इसी इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको कौन से टैलेंट्स और दूसरे कैरेक्टर के नर्फ होने चाहिए। वीडियो को सपोर्ट करें एंड लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।